आज भारत के सभी स्कूलों में पेशावर हमले के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद रखा गया 2 मिनट का मौन। पीएम मोदी ने 2 मिनट मौन की थी अपील। नोएडा, कानपुर, लखनऊ और रायपुर के स्कूलों में पेशावर हमले में मारे गए छात्रों को दी गई श्रद्धांजलि। छात्रों ने रखा मौन। देशभर के स्कूलों में दिखा पेशावर का दर्द। पेशावर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किया था फोन, जताया दुख, हर संभव मदद का किया वादा, ट्वीट कर दी बातचीत की जानकारी। मोदी नवाज की बातचीत पर नवाज की बेटी मरियम का ट्वीट, लिखा मोदी ने फोन कर पेशावर हमले पर जताया शोक। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने पेशावर हमले की निंदा की, पाकिस्तान के लिए दिल दहला देने वाली वारदात करार दिया। कल पाकिस्तान में दिखा अब तक के आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने 132 मासूमों की ली जान। कुल 141 लोग मारे गए, करीब 150 लोग घायल, नजदीकी अस्पतालों में भर्ती। 7 आतंकियों ने स्कूल पर बोला था धावा, जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी ढेर। तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। हमले के दौरान एक फिदायीन हमलावर ने खुद को स्कूल के अंदर उड़ाया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की, कहा आतंक का ये चेहरा सभी को दहलाता है, दुख की घड़ी में अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। पेशावर में आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सुपुर्द खाक हुए लोगों की रूह की शांति के लिए मांगी दुआ। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगी पेशावर हमले के विरोध में। हरिद्वार में भी कैंडल मार्च, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। वडोदरा में भी उठी पेशावर हमले के विरोध की आवाज, स्कूली बच्चों ने किया विरोध। हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और स्कूल की बढ़ाई गई सुरक्षा, कई जगहों पर हुई मॉक ड्रिल। राजनाथ ने कहा साइबर स्पेस पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही दिया भरोसा शक के बिना पर किसी निर्दोष पर नहीं होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगी 6 महीने की रिपोर्ट। आज कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्री पीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट कार्ड। मोदी ने बीजेपी सांसदों को दी अच्छे आचरण की नसीहत, कहा सरकार के कामकाज की रखे जानकारी। बोले मंत्री सांसदों को बताए मंत्रालय की योजनाएं। धर्म जागरण समिति ने 25 दिसंबर को अलीगढ़ में प्रस्तावित घर वापसी कार्यक्रम टाला। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने इलाके में लगाई थी धारा 144। योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में भाग लेने का जताया था इरादा। गोरखपुर में धर्मांतरण कार्यक्रम फेल होने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद की रायबरेली में तैयारी। 31 जनवरी 2015 तक 100 भटके परिवारों की घर वापसी का कार्यक्रम। अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने अरविंद केजरीवाल पर फिर ज्यादा निशाना। दिल्ली में प्रचार के दौरान कहा केजरीवाल है नौटंकी करने वाले एक महान कलाकार। दिल्ली में प्रचार के दौरान केजरीवाल ने फिर मोदी सरकार को यूटर्न सरकार करार दिया। ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी पहुंची। हफ्ते भर में हो सकती है 24 उम्मीदवारों की घोषणा।
झारखंड में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, साहेबगंज में हेमा ने की रैली। हेमा को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले में जुड़ी खत्री ग्रुप की एफए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में पड़ा छापा, पुलिस और आरटीओ ने की रेड। आम आदमी पार्टी के नेता अंजलि दमानिया ने कहा पुलिस को इमारत की बेसमेंट में कई महंगी विदेशी कारें छुपाकर रखे जाने की दी थी जानकारी, कार्रवाई में देरी से कारों को किया गया शिफ्ट। दमानिया के मुताबिक बेसमेंट में की गई थी रेड में पुलिस को मिली एक रॉल्स रॉयस कार, खत्री ग्रुप का एक कर्मचारी डिसिल्वा हिरासत में। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड को विधानसभा से सस्पेंड करने के बाद निलंबन वापस लिया, अवार्ड ने सदन में अपशब्दों का किया था इस्तेमाल। एनसीपी के विरोध के चलते बीजेपी शिवसेना ने अवार्ड का निलंबन वापस का फैसला लिया। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर किया दावा, कोई भी ताकत मुंबई को महाराष्ट्र से नहीं कर सकती अलग। फडणवीस पर मुंबई के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने और मुंबई के लिए अलग सीईओ लाने के लिए लग रहा है आरोप। दिल्ली के दरियागंज में चोरों ने हीरा व्यापारी को चकमा देकर 1 करोड़ के हीरे चोरी किए, व्यापारी से पैसा गिरने की कही बात, पल भर में उठाया बैग। दिल्ली के पटेल नगर में थाने से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने एक युवक को 2 बार लूटा, पहले छीनी सोने की चेन, कुछ देर बाद मोबाइल और पर्स भी ले उड़े। बदमाशों ने दूसरी वारदात उस वक्त अंजाम दी जब युवक एक सीसीटीवी में पहली वारदात की तस्वीरें देख रहा था। यूपी के बिजनौर में घर में चल रहे रूम हीटर से लगी आग, 3 लोगों की मौत, हीटर के करीब टंगे कपड़ों से हुआ हादसा। तेल कंपनियों ने स्पाइस जेट एयरलाइंस को रोकी तेल की सप्लाई, सप्लाई रुकने के चलते स्पाइस जेट की उड़ानें रद्द। कल सुबह इसरो लॉन्च करेगा अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट, श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा 630 टन का जीएसएलवी मार्क 3, 42.5 मीटर है रॉकेट की लंबाई, रॉकेट को बनाने में आया है 160 करोड़ का खर्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिर उठा अस्पताल में 16 बच्चों की मौत का मुद्दा, रमन सरकार पर लगा लीपापोती का आरोप। लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप की मंगलवार को धूमधाम से हुई सगाई, अगले साल 26 फरवरी को होगी शादी। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर जागी मोदी सरकार, आरके पुरम में लगे कई सीसीटीवी, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया उद्घाटन। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के 3 विकेट गिरे, भारत ने 49 ओवरों में बनाए हैं अभी तक 146 रन। मुरली विजय की नाबाद अर्धशतक की पारी, 18 रन ही बना सके चेतेश्वर पुजारा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी है मुरली विजय का शानदार प्रदर्शन, 73 रन बनाकर नाबाद है विजय, पारी में जमा चुके हैं 9 चौके। ओपनर शिखर धवन केवल 24 रन बनाकर हुए आउट, मिचेल मार्श का शिकार बने धवन, पहले विकेट के लिए 56 रनों की भागीदारी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट में 12 साल बाद उतरी दो भाइयों की जोड़ी, टीम में एक साथ खेल रहे हैं शॉन और मिचेल मार्श, इससे पहले वो बंधुओं ने 2002 में एक साथ खेला था आखिरी टेस्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने किया आगाह, कहा कभी भी हो सकता है सिडनी जैसा हमला।
हैती में सड़कों पर उतरे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागी रबर की गोलियां, छोड़े आंसू गैस के गोले। ब्राजील में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, टैंकर से टकराई बस, टक्कर के बाद बस में लगी आग। चीन के नायलम काउंटी में बरसी सफेद आफत, 24 घंटे की बर्फबारी पर सड़कों पर जमा बर्फ, रास्ते साफ करने के लिए सड़कों पर उतरे बुलडोजर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में शुरू हुआ 8 दिनों का यहूदी त्यौहार हानुका शुरू उत्सव ब्रांडनबर्ग गेट पर प्रज्वलित किया गया 10 मीटर ऊंचा दीप।